ढिल्लन मेहता ने साल 2003 में मूवी फंटूस से एज ए प्रोड्यूसर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस मूवी के डायरेक्टर थे इम्तियाज पंजाबी। इस मूवी के लीड कास्ट में परेश रावल, मोहम्मद इकबाल खान, राइमा सेन, फरीदा जलाल, कादर खान और गुलशन ग्रोवर शामिल थे। ये एक कॉमेडी एडवेंचर फैमिली मूवी थी। इस मूवी का बजट 3,75,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2,92,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 4,41,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2004 में इनकी अगली मूवी आई अग्निपंख। इस मूवी के डायरेक्टर थे संजीव पुरी। इस मूवी के लीड कास्ट में जिमी शेरगिल, राहुल देव, दिव्या दत्ता, रिचा पैलोड, स्मिता सेट्टी और आशीष विद्यार्थी शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी का बजट 5,50,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 54,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 81,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2005 में इनकी अगली मूवी आई मैंने प्यार क्यों किया। इस मूवी के डायरेक्टर थे डेविड धवन। इस मूवी के लीड कास्ट में सलमान खान, सुष्मिता सेन, कैटरीना कैफ, सोहेल खान और अरशद वारसी शामिल थे। ये एक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 15,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 25,69,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 45,90,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही। साल 2006 में इनकी अगली मूवी आई गोलमाल फन अनलिमिटेड। इस मूवी के डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी। इस मूवी के लीड कास्ट में अजय देवगन, अरशद वारसी, संजय मिश्रा, शर्मन जोशी, तुषार कपूर, परेश रावल और रिमी सेन शामिल थे। ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 15,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 29,33,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 45,89,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 2007 में इनकी अगली मूवी आई जब वी मेट। इस मूवी के डायरेक्टर थे इम्तियाज अली। इस मूवी के लीड कास्ट में शाहिद कपूर, करीना कपूर, सौम्या टंडन, पवन मल्होत्रा और किरण जुनेजा शामिल थे। ये एक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 15,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 31,06,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 49,54,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 2008 में इनकी अगली मूवी आई महारथी। इस मूवी के डायरेक्टर थे शिवम नायर। इस मूवी के लीड कास्ट में परेश रावल, नसीरुद्दीन शाह, नेहा धूपिया, ओम पुरी, बोमन ईरानी और तारा शर्मा शामिल थे। ये एक क्राइम मिस्ट्री ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 9,50,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2,01,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2,80,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2008 में इनकी अगली मूवी आई गोलमाल रिटर्न्स। इस मूवी के डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी। इस मूवी के लीड कास्ट में अजय देवगन, करीना कपूर, अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, अंजना सुखानी, अमृता अरोड़ा और सेलिना जेटली शामिल थे। ये एक कॉमेडी क्राइम मिस्ट्री मूवी थी। इस मूवी का बजट 35,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 51,12,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 78,15,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 2008 में ही इनकी अगली मूवी आई किडनैप। इस मूवी के डायरेक्टर थे संजय गद्वी। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय दत्त, इमरान खान, मनीषा लांबा, विद्या मालवदे और अंकिता मकवाना शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट
31 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 20 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 34 करोड़ 15 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2010 में इनकी अगली मूवी आई गोलमाल 3। इस मूवी के डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी। इस मूवी के लीड कास्ट में अजय देवगन, मिथुन चक्रवर्ती, रत्ना पाठक शाह, करीना कपूर, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े और कुणाल खेमू शामिल थे। ये एक कॉमेडी एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 50 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 106 करोड़ 34 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 169 करोड़ 9 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर रही। साल 2010 में इनकी अगली मूवी आई दबंग। इस मूवी के डायरेक्टर थे अभिनव कश्यप। इस मूवी के लीड कास्ट में सलमान खान, अरबाज खान, सोनाक्षी सिन्हा, सोनू सूद, विनोद खन्ना, डिंपल कवाडिया और अनुपम खेर शामिल थे। ये एक एक्शन कॉमेडी क्राइम मूवी थी। इस मूवी का बजट 41 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 138 करोड़ 88 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 221 करोड़ 14 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर रही। साल 2011 में इनकी अगली मूवी आई रॉकस्टार। इस मूवी के डायरेक्टर थे इम्तियाज अली। इस मूवी के लीड कास्ट में रणबीर कपूर, नरगिस फाकरी, शम्मी कपूर, पीयूष मिश्रा और कुमुद मिश्रा शामिल थे। ये एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 45 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 62 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 104 करोड़ 46 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही। साल 2012 में इनकी अगली मूवी आई बोल बच्चन। इस मूवी के डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी। इस मूवी के लीड कास्ट में अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, प्राची देसाई, असीन और कृष्णा अभिषेक शामिल थे। ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी थी। इस मूवी का बजट 66 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 102 करोड़ 94 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 165 करोड़ 68 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको ढिल्लन मेहता की एज अ प्रोड्यूसर उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। ढिल्लन मेहता की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।